एंड वेलकम, मैं हूं मोहिनी और आप देख रहे हैं E24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के बिना हिंदी सिनेमा का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। जितना उन्हें फिल्मों के लिए जाना जाता है, उतनी ही पॉपुलर उनकी लव स्टोरीज भी हैं। दिलीप कुमार ने सारा बानो के साथ शादी की थी। इन दोनों कलाकारों की लव स्टोरीज इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी जो इनके अनसुने किस्से शायद ही आपने सुने होंगे। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। 50 और 60 के दशक में वो फिल्म इंडस्ट्री पर छाए रहे। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के बिना हिंदी सिनेमा का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। फिल्म इंडस्ट्री का एक मजबूत खंभा रहे हैं दिलीप कुमार। मुगले आजम, नया दौर, शहीद, गंगा जमुना, देवदास, राम और श्याम जैसी फिल्मों ने उन्हें अभिनय सम्राट बनाया। दिलीप कुमार 98 साल के हो चुके हैं। वहीं दिलीप कुमार जितना अपनी फिल्मों की वजह से चर्चा में रहते थे, उतना ही उनकी पर्सनल लाइफ भी खूब सुर्खियों में रही है। उनकी लव स्टोरीज अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती हैं। सायरा बानो के साथ प्यार को लेकर वो खूब सुर्खियों में रहे। सायरा उनकी फैन थी और अपने से काफी उम्र में दिलीप कुमार के बड़े होने के बावजूद उन्होंने शादी कर ली। इन दोनों की लाइफ से जुड़े काफी रोमांचक किस्से हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आज हम उन्हीं किस्सों की डायरी से दिलीप कुमार से जुड़ा एक किस्सा आपको बताने जा रहे हैं, जिसे शायद आपने पहले ना सुना हो। सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार के बारे में बात की थी और उनकी कई अच्छी बुरी आदतों का खुलासा किया था। सायरा ने बताया था कि जब दिलीप कुमार को गुस्सा आता है तब वो घर के सामान उठाकर फेंकने लगते थे। सायरा बानो ने आगे बताया कि वो एक पठान है, उन्हें गुस्सा बहुत आता है, घर की चीजें उठाकर फेंकने लगते हैं। गुस्से में उन्होंने मुझे कभी नहीं मनाया, लेकिन इसके बावजूद मैं कभी भी उन्हें और उनकी आदतों को बदलना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं उनकी बीवी बनने से पहले उनकी बहुत बड़ी फैन थी। दिलीप कुमार और सायरा की कहानी एकदम फिल्मी है। सायरा चाहती तो किसी और को थी और उन्होंने शादी किसी और से की। राजेंद्र कुमार को चाहती थी और जब दिलीप कुमार ने समझाया कि शादीशुदा और दो बच्चों के पिता के चक्कर में मत पड़ो, तो उन्होंने पूछ लिया तो फिर आप करेंगे मुझसे शादी। मजबूरन दिलीप कुमार ने हाँ कर दी और फिर 60 के दशक के मोस्ट एलिजिबल बैचलर दिलीप कुमार सायरा बानो के शौहर बन गए। 11 अक्टूबर 1966 को दोनों ने शादी कर ली थी। उस वक्त दिलीप कुमार 44 साल के थे और सायरा 22 साल की थी। दोनों का मिजाज अलग था, अंदाज अलग था, उम्र का फासला दोगुना था, लेकिन जब साथ हुए तो प्यार बेपनाह हुआ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब जोड़ियों में से एक हैं दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी। ऐसा कोई पल नहीं जब दिलीप कुमार अपनी पत्नी सायरा के बिना नजर आए हों। वही दिलीप कुमार करीब 98 साल के हो गए हैं। ये दोनों सितारे मुंबई के बांद्रा में रहते हैं। दिलीप कुमार इन दिनों बीमार रहते हैं और वो अपना काम खुद नहीं कर पाते। अब सायरा बानो ही हर पल उनकी देखभाल करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। वही सोशल मीडिया के जरिए सायरा बानो समय समय पर दिलीप कुमार के फैंस को उनके हेल्थ की अपडेट भी देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।